आज की इस वीडियो में हम इस 5-in-1 कंबाइंड बॉक्स के कनेक्शन करना सीखेंगे। ये कंबाइंड बॉक्स अपने आप में कंप्लीट स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इसी के अंदर आपको फ्यूज भी मिलेगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक स्विच और यहाँ पे सॉकेट देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसको कंबाइंड बॉक्स बोलते हैं और 5-in-1 बॉक्स भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। वायरिंग करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इलेक्ट्रीशियन की बुक आपको दिखा देता हूं। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी प्रकार के वायरिंग डायग्राम और उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। जो वायरिंग डायग्राम है वो HD क्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी हाउस वायरिंग से रिलेटेड डायग्राम होते हैं वो सभी डायग्राम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और फ्रेंड्स बेसिक से एडवांस लेवल के सर्किट डायग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर स्टार्टर के डायग्राम है और आपको यहाँ पे टूल वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलेगी और अप्लायंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये खरीदनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इसकी वायरिंग करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फेज वायर आएगा वो फ्यूज के अंदर आता है। फ्यूज हम इसके अंदर क्यों लगाते हैं, फ्यूज हम इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। मान लीजिए कोई फॉल्ट हो जाता है तो फ्यूज वहां से बर्न हो जाएगा और आगे का जो सर्किट हमने जोड़ रखा है वो सेफ रहेगा। तो जो हम इसके आगे लेके जाएंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्यूज इनपुट ये हो गया है और यहां से फ्यूज का आउटपुट निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूज का एक टर्मिनल है यहां से हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ये कनेक्ट कर दिया है यहां पे, ठीक है, यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अभी इस वायर का जो दूसरा ये वाला एंड है इसको हम क्या करेंगे, जो स्विच है ये स्विच देख सकते हैं आप, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो जो कनेक्शन आप कर रहे हैं फ्रेंड्स उसको आपको अच्छे से टाइट करना है, कोई लूज कनेक्शन ना रहे। फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं है, जो वायर आप ये कनेक्शन कर रहे हैं वो कम से कम 2.5 square mm की होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर हम 16 एम्पियर से ज़्यादा लोड चलाने वाले हैं। तो यहाँ से फ्यूज से लेकर स्विच तक की वायरिंग हमारी हो जाती है। अभी जो स्विच है हमारा, स्विच का दूसरा वाला ऊपर वाला टर्मिनल है ये, यहाँ से वायरिंग जाएगी सॉकेट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर को और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे हमने टाइट कर दिया है और इसका जो दूसरा एंड है वो चला जाएगा हमारा सॉकेट का L वाले टर्मिनल के ऊपर, जो कि लाइन का टर्मिनल है, इसको भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे यहां पे। तो ये हमारा यहां पे टाइट हो गया है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स जो इंडिकेटर दिया गया है ये देख सकते हैं इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के दो टर्मिनल दिए गए हैं, इनमें एक पे तो न्यूट्रल कनेक्ट होगा और एक पे फेज कनेक्ट होगा। तो अभी हमें यह देखना है कि फेज हम कहां से लेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखने वाले हैं कि ये इंडिकेटर कब जलना चाहिए। फ्रेंड जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तब हमारा ये इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि सॉकेट के अंदर पावर है वो जा रही है। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये इंडिकेटर भी बंद हो जाना चाहिए। इस कंडीशन में करने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक वायर लेनी है। वायर लेने के बाद फ्रेंड्स इस वायर को हमें जो इंडिकेटर है उसके एक टर्मिनल के ऊपर इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया है और इस दूसरी वायर को हम क्या करेंगे, जो हमने सॉकेट के साथ में ये वाली वायर कनेक्ट की थी इसको थोड़ा सा हम यहां से लूज कर देंगे। लूज करने के बाद फ्रेंड्स इसी के साथ में हम यहां पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। जब सॉकेट के अंदर पावर जाएगी तो जब यहां पे पावर जाएगी तो यहां पे भी पावर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर देते हैं। न्यूट्रल हम कहां से लेंगे, तो फ्रेंड्स ये सॉकेट का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो हम यहां से एक वायर इस इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हम यहां पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे कनेक्ट होगी है, तो इसकी जो इंटरनल वायरिंग है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स जो फेज आएगा वो हम फ्यूज के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल है वो इस सॉकेट के इस वाले न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका नीचे का बॉक्स है उसके अंदर इस तरह से होल करना है। होल करने के बाद यहाँ पे आपको वायरिंग करनी है। फ्रेंड्स जो ये आप वायरिंग कर रहे हैं कम से कम 2.5 square mm की वायर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर हैवी लोड चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेड कलर की वायर है, इस रेड कलर की वायर को आपको जो फ्यूज है फ्यूज के इस वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और जो फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर की वायर है इसको हम सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इसी के साथ में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं।
तो सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अभी बात की है फ्रेंड्स अर्थिंग का। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है, अर्थिंग देना चाहते हैं, तो आप अर्थिंग की वायर यहाँ पे ग्रीन कलर की डाल सकते हैं। अभी हमारे पास अर्थिंग नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आपको ये चेक कर लेना है कि फ्यूज के अंदर जो एलिमेंट है वो है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एलिमेंट डाल रखा है, ठीक है। तो इसको हम फ्यूज़ को डाल देते हैं और जो हमने ये वायर कनेक्ट की है इसको सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको चेक करके देखते हैं आपको क्या करना है। ये चारों के चारों स्क्रू लगा लेने हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अभी हमने इसको सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसको फ्रेंड्स स्विच को दबाएंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे हमने स्विच को दबाया तो इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है। सॉकेट के अंदर पावर है या नहीं है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ये टेस्ट लैंप है, इसके अंदर लगा लेते हैं और इसको प्रेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बल्ब भी हमारा ऑन हो गया है और इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो गया है। अब मान लीजिए कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में क्या है, फ्यूज उड़ जाएगा। जैसे ही फ्यूज उड़ जाएगा तो आगे की पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप काम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फ्यूज लगाने के बाद फिर से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक 5-in-1 कंबाइंड बॉक्स की वायरिंग कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।